हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैह रहमा फजर की नमाज के बाद ये टूटियां नहीं जिस्ता होती, तो वो छोटा सा बरामदा था, तो बरामदे के ऊपर बैठ के वज़ाइफ करते थे और फिर इशराक की नमाज तक वहां बैठते और फिर तशरीफ ले जाते। गर्मी की शिद्दत थी तो हजरत फराइज की अदायगी के बाद वहां चले गए, तो नमाजियों ने आपस से मशवरा किया कि यार हजरत को अर्ज करें कि बारिश के लिए दुआ की जाए। तो हजरत जाके वहां अपने वज़ाइफ में लग गए, तो उन्होंने कहा चलो हम मस्जिद के सेन में खड़े हो जाते, हजरत तवज्जो करेंगे तो अर्ज करेंगे। तो जितने नमाजी थे वो सारे सेन में खड़े हो गए और बरामदे के ऊपर मियाँ साहब वज़ाइफ में लगे। जब आपकी नजर पड़ती ना लोगों की जानब, तो जितने भी नमाजी थे सारे हाथों से इशारे करके कहते यानी दुआ करो, जुबान से ना बोलते हाथों को ऐसे हिलाते और ये कहते कि उधर आसमान की तरफ इशारा करके कहते दुआ करो। मियाँ साहब फिर वज़ाइफ में लग जाते। फिर जब मियाँ साहब की आंख उठती ना तो ये सारे हाथ उठाते और आसमान की तरफ हाथ उठा कहते मियाँ साहब, फिर वज़ाइफ में लग जाते। जब दो तीन मरतबा ऐसा हुआ ना तो मियाँ साहब की हंसी निकल गई और ऐसे आसमान की तरफ देख के कहा चल हुण पा दे। कहते हैं बस ये बात कहने की देर थी कि छम छम मी बरसने लगा। तो जब कोई हुजूर का हो जाता है तो रब उसको अपना महबूब बना लेता है। तो हुजूर की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का जरिया है, इसलिए हमें हुजूर का प्यार अपनी रूहों में मौजसन करना है, हुजूर की मोहब्बत अपनी रूहों में उतारनी है। और मोहब्बत अपने तमाम तर तकाजों के साथ जब रूह पजीर होगी तो फिर हमारा अंदाज़ ज़िंदगी भी सवर जाएगा, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। मोहब्बत के मिन जुमला तकाजों में से सबसे बड़ा तकाजा महबूब की अतात है कि बंदा जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है। यह है दावा मोहब्बत का सबूत, उसकी दलील। और हुजूर के सहाबा की ज़िंदगियां देखिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कैसे प्यार किया, हुजूर की मोहब्बत में अपनी आदतों को बदल दिया। हालांकि आदतें नहीं बदली जाती, दो सके भाई हों, रिश्ता कितना गूढ़ा है और एक घर में परवरिश पाई है, एक गोद में पले हैं, एक बाप के गहवारा तरबियत में रहे हैं, लेकिन तबाय में इख्तलाफ एक फितरी बात होती है। हमारे पास लोग आते हैं, दो सके भाई होते हैं, एक की तबीयत इधर को जा रही होती है, दूसरे का मिजाज इधर को जा रहा होता है, एक सख्त नरम मिजाज होता है और दूसरे की आंखों से अंगारे फूट रहे होते हैं, एक माफ कर देने वाला होता है, एक सख्त गुसीला होता है, एक की तबीयत के अंदर तलखी की चंगारियां होती हैं और एक की तबीयत के अंदर नरमी के फूल होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये ऐसा होता है। अब इसी तरह खाने पीने की चीजों में तबाय का इख्तलाफ, ये फितरी बात है, एक को एक चीज पसंद होती है, दूसरे को वो चीज पसंद नहीं होती है। बाज़कात माँ को मसला होता है कि ये चीज अगर मैं तैयार करती हूं तो मेरा दूसरा बेटा नहीं खाता, तो उसके लिए बाद से अलग से कोई चीज तैयार करनी पड़ती है कि उसकी डिमांड ये है और मेरे इस बेटे की डिमांड ये है। माएं मिजाज समझती हैं, एक आगोश में परवरिश पाने के बावजूद खून एक है, गहवारा तरबियत एक है, दूध एक है, लेकिन तबीयतों के अंदर इख्तलाफ पाया जा रहा है। लेकिन सहाबा की जिंदगियां देखिए, उन्होंने अपनी तबीयतें भी हुजूर की तबीयत के सांचे में ढाल दी। हजरत अनस बिन मालिक को किसी ने देखा कि वो शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं, तो कहा ये क्या कर रहे हो, कहा मैंने एक दिन हुजूर को यूं करते हुए देखा था। तो तबाय का इख्तलाफ ये एक फितरी इख्तलाफ होता है, लेकिन सहाबा ने उसको भी छोड़ा और हुजूर की मोहब्बत के सांचे में डाल दिया। फिर इस चीज का इंतजार नहीं किया कि हुजूर का फरमान क्या है, हुजूर की चाहत पे अपने मिजाज को बदला। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे, एक गुंबद नमा मकान बन रहा था और ऐसे मकान हुजूर को पसंद नहीं थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये मकान किसका है, कहा फलान सारी का है। हुजूर गुजर गए, चेहरे पे थोड़े से नागवारी आसार हवैदा हुए। किसी ने उस सहाबी को बता दिया कि हुजूर गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद पसंद नहीं आया। दो चार दिन के बाद हुजूर दोबारा गुजरे, देखा कि वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था।
फरमा सहाबी को बुलाओ, बुलाया गया। कहा मैं परसों तरसों गुजरा था, तेरा मकान देखा था, ये क्या हुआ? अर्ज की मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं, मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, सर से लेकर पांव तक, निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक, अपने उमूर जात से लेकर के अपनी मुआशरती जिंदगी तक, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, और हर वो चीज बदल दें जो हुजूर को पसंद है। मोहम्मद दी ज़ियारत, मोहम्मद दे रंग विच, ए ठग बाजियां जाने प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शेख कामिल का एक शेर है, और वो शेर इतना वजनी है कि अगर मेरे पास जवाहरलाल मोती हों और मैं एक परड़े में डाल दूं और एक परड़े में ये शेर रख दूं तो ये शेर फिर भी भारी होगा। यारी ला तू पाक नबी संग, ऐ पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा लख नलों एक वारी। सवा लाख मरतबा दरूद पढ़ना एक तरफ, और एक दफा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ना, उनकी मोहब्बत के सांचे में यूं ढल करके जो वो कहते हैं वो मेरी जिंदगी का अमल है, ये उससे वजनी है, ये उससे भारी है। तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के एक सहाबी थे, वो हुजूर को मिलने आए और आए थे बहरीन से। अच्छा, उन्होंने हुजूर को सलाम किया तो हुजूर ने रुख फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। तो वो समझे कि शायद हुजूर ने ऐसे ही रुख फेरा, तो जिधर हुजूर ने रुख फेरा वो उधर जाके सलाम करते हैं, तो हुजूर ने फिर रुख फेर लिया, समझ गए कि हुजूर नाराज हैं। अब उन्हें समझ ये नहीं आ रही थी कि नाराजगी का सबब क्या है। वो असहाबे रसूल से पूछने लगे कि हुजूर मुझसे नाराज नाराज लगते हैं, आप में से कोई बता सकता है कि हुजूर क्यों नाराज हैं? अल्लाह अकबर, आज तो कोई बड़ा बाप हो, मुर्शिद हो, उस्ताद हो, नाराज हो जाए और शागिर्द को नाराजगी की वजह मालूम ना हो तो वो उल्टा नाराज आगे से हो जाता है कि मैंने जुर्म क्यों किया है कि उस्ताद का मिजाज बिगड़ गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा देखिए, रंग देखिए मोहब्बत के, वो सहाबा से पूछता फिरता है कि हुजूर मुझसे नाराज हैं, मुझे बताइए कि क्या सबब हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी है इससे हुजूर नाराज हैं, क्योंकि हुजूर इसको मना कर चुके हैं। उम्मत के लिए सोना चांदी हुजूर ने उम्मत के मर्दों के लिए मना फरमा दिया, सिर्फ 4.5 माशे से कुछ कम की अंगूठी चांदी की, और वो भी अदद में एक हो, शरीयत ने जायज रखी है। अगर 2-2 माशे की दो होंगी तो फिर भी जायज नहीं, औरत को जायज है 10 अंगूठियां पहने, सोने की पहने, चांदी की पहने, ये उसका जेवर है। मर्द को जेवर की जरूरत नहीं है, जीनत की जरूरत नहीं है, लिहाजा मर्द के लिए एक अंगूठी रखी गई है, वो भी इसलिए कि अगर वो कहीं मुश्किल में हो तो उसको बेच करके 2 वक्त का खाना ले सके। बाकी उसके लिए अंगूठी 4.5 माशे से कम का चांदी या सोना 1 माशा ही क्यों ना हो, उसके लिए जायज नहीं है। तो उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन उसे हुरमत का पता नहीं था। तो उसने कहा कि हुजूर मुझसे क्यों नाराज हैं? तो सहाबा ने कहा शायद ये इस अंगूठी की वजह से नाराज हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा क्या कसूर। खैर, उसने अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते कहा, हुजूर आप इस वजह से नाराज हैं? हुजूर ने अंगूठी पकड़ी और ऐसे फेंक दी, नाराजगी की वजह खत्म हो गई, वो बैठ गया, बात शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। जब सिलसिला कलाम होता रहा, जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग उठ के घरों में जाने लगे, वो भी उठा और उल्टे पांव से पीछे चला, तो किसी ने उसको कहा वो अंगूठी तो उठा लो, सोने की अंगूठी है, कीमती है, चलो तुम्हारे लिए पहनना जायज नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए तो जायज है। तो उसने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने कहा वल्लाहे ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। तो ये थी उनकी मोहब्बत, ये था उनका अंदाज। तो आइए, मैं और आप हुजूर से अगर मोहब्बत करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी, हुजूर का अंदाज मुआशरत इख्तियार करें। कसरत के साथ माएँ बहनें बेटियां भी मौजूद हैं, वो भी अपनी औलादों की तरबियत इस नेहज से करें कि वो हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सीरत,
और हुजूर की इत्तिबा के सांचे में ढल जाएं। जिंदगी का मकसद ही यही है। आए, बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, चले गए, हमसे पहले भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, बाद में आने वाले भी चले जाएंगे, लेकिन हकीकी कामयाबी उसको नसीब हुई जिसने इस दुनिया पे आके दुनिया की जिंदगी के मकसद को समझा। हम आए क्यों थे, जिंदगी किस लिए हमें दी गई थी। अकबर अलाबादी ने क्या सुथरी तनकीद की थी, क्या बताएं अहबाब क्या कार नमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये कोई काम नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद है जिसलिए हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। देखिए गधा सारा सारा दिन बोझ उठाता है। अल्लाह अकबर, मेरे असब ने गधे से भी एक मुआजना किया है कि सारा दिन जो है वो बोझ उठाए और काम करे और फिर मालिक उसको गजा भी ना दे, वो जाके रूढ़ियों से और बाहर से जाके चर के फिर आके काम मालिक का करे, मालिक उसको दे भी ना और वो बाहर से खा के आए और काम मालिक का करे। तो अगर बंदा हो के, इंसान हो के अगर ना करे तो मेरे हुजूर ने एक लंबी रुबाई है उसमें आखिर में लिखते हैं, तू चंगा याकूब या खोता तेनू शर्म ना आवे, कि अगर वो एक गधा भी काम करे, अपनी पीठ पे बोझ ला दे और तू अपने मालिक के लिए कुछ ना करे और सारी नेमतें मालिक ने तुझे दी हैं और इज्जतें और आबरूएं तेरे नाम की हैं और तू उसका हक ही अदा ना करे तो फिर किस तरह तेरे से, तो फिर उलाई का कल अनाम बल हम अदल, फरमाया तू चौपाया है बल्कि चौपायों से भी बदतर है। तो मैं और आप अपने आप को इंसान साबित करें, आज मौका है, से साबित ने अजय हवास तेरे, से साबित ने अजय हवास तेरे, कर ले नेकियां रज के तू, अड़िया रब रसूल क्यों पुल बैठो, आ रब रसूल वल भज के तू, आई मौत इथे रहसन कम तेरे, आई मौत इथे रहसन कम तेरे, नेकियां कर ले भज के तू, की आख सन लोग याकूब तेनू जब टुर प्यो सर मुँह कज के तू। वो वक्त आएगा जब तनियां बांध दी जाएंगी, जब दोनों जानब से कफन बांध दिया जाएगा, फिर पर्दा हटा हटा के देखा जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। वो लम्हे कितने दर्दनाक होंगे, वो घड़ियां कितनी दर्दनाक होंगी। आज मुझे और आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो आज हुजूर की सीरत को अपनाने का, अपनी रूहों में उतारने का अज़्म करके